चलिए अब हम लोग फार्म भरने के तरीके के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर पहले वीडियो का नाम लिखना है। यहाँ पर वह विषय आएगा जिसके बारे में हम समूह के लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं। जैसे हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विधि से गेहूं की रोपाई, क्योंकि इससे हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि श्री विधि से गेहूं की रोपाई कैसे की जाए अच्छी फसल के लिए। समझे? समझ गए दीदी, अब पूरी तरीके से समझ गए। अब इससे नीचे वाली जगह पर मध्यस्थ का नाम भरना है। मध्यस्थ का मतलब वह व्यक्ति जो समूह के लोगों को वीडियो की सारी बातें समझा रहा है। जैसे दीदी आज आप सबको ये वीडियो दिखा रही हैं, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर उसी व्यक्ति का नाम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शुरू समय, जिस समय भी वीडियो शुरू हो रहा है, सुबह दोपहर या शाम, उसके आगे निशान लगाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम वो तारीख भरेंगे जब हम समूह के लोगों को वीडियो दिखा रहे। अब यह बहुत जरूरी भाग है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम उन दो समूहों का नाम लिखेंगे जिन्हें हम यह वीडियो दिखा रहे हैं। मतलब दीदी हम कई समूहों को भी एक साथ वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम यहाँ अभी अपने दोनों समूहों का नाम लिख देते हैं। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर हमें स्थान की जानकारी भरनी है, तो सबसे पहले ग्राम संगठन का नाम जिसके अंदर हमारे ये समूह आते हैं। ठीक है दीदी। दीदी इसके बाद गांव का नाम है, यानी जहाँ ये वीडियो दिखाई जा रही है उस गांव का नाम, है ना? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर उस गांव का नाम आएगा जहाँ हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा, तो अब सिर्फ समूह के लोगों की जानकारी रह गई है, जिसके लिए फार्म की बाई तरफ जगह दी गई है। समय बचाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम उन लोगों के आने से पहले उनकी जानकारी यहाँ भर देते हैं और वीडियो दिखाने के बाद उनके हस्ताक्षर ले लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, लेकिन ये सदस्य का नाम तो हो जाएगा और सदस्य के पति और पिता का भी नाम हो जाएगा, लेकिन ये समूह क्रम क्या है? अच्छा ये देखिए, यहाँ हमने समूह एक और दो के नाम लिखे थे ना, तो वहीं जो सदस्य समूह एक से हैं, समूह क्रम में उनके आगे एक लिखना है, और जो सदस्य समूह दो से हैं, उनके आगे समूह क्रम में दो लिखना है। ठीक, समझ गए दीदी, समझ गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दबाजी में दोनों समूह के लोगों की जानकारी मिला देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पहले पन्ने पर समूह एक के लोगों की जानकारी लिखते हैं और पीछे की तरफ समूह दो के लोगों के बारे में लिखते हैं। फार्म भरने में बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो, अगर फार्म सही से नहीं भरा होगा तो मानदेय नहीं मिलेगा, इसीलिए फार्म ठीक से भरिएगा, ठीक है? जी दीदी बिल्कुल ध्यान से भरेंगे फार्म। आबा दीदी हम लोग आ गए।
प्रणाम प्रणाम। आगे आप लोग आइए आइए। पिछली बार हमने आप सबको गेहूं के बीज उपचार विधि इसके बारे में वीडियो दिखाई थी। आप सबको अच्छे से समझ आया था ना? हाँ दीदी। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि गेहूं के बीज उपचार विधि में हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? आप में से कौन बताएगा? आप बताइए। गेहूं के बीज उपचारण के लिए गुड़, केचुआ खाद, बेबेस्टिंग पाउडर, गौमूत्र और हल्का गुनगुना पानी चाहिए। बिल्कुल सही। और इसे कितनी देर के लिए घोल में रखना चाहिए? 8 घंटे के लिए। क्या बात है, इसका मतलब आप सबको वीडियो अच्छे से समझ आ गया था, है ना? हाँ दीदी। चलिए अब वीडियो देखने के लिए हम पर्दा लगाकर अंधेरा कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पर श्री विधि से गेहूँ की रोपाई का वीडियो देखेंगे और उससे सीखेंगे, साथ ही लोगों को बताएंगे भी। तो अब वीडियो चालू करें? हाँ दीदी। देखो दीदी, एकरे बारे में यहाँ के बतलाई ली है कि चारों कोना बराबर होवे के चाहिए, ठीक है? दो दाना यहाँ रुकतै, दो दाना यहाँ और दो दाना यहाँ और दो दाना यहाँ। तो अभी तक आपने वीडियो से जो भी कुछ सीखा उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए। हाँ दीदी, हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। 8 इंच पर जो दूरी गेहूँ के जो लगाते हैं तो उससे हमको क्यों लगाएं, क्या फायदा हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है और इसीलिए वह इस विधि का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते। बात यह है कि गेहूं को 8-8 इंच की दूरी पर लगाने से पौधों को सही पोषण मिलता है, जैसे धूप, जमीन से खाद और पानी। और जब सब कुछ पूरी मात्रा में मिलेगा तो फसल भी अच्छी रहेगी। अब समझ गए ना आप लोग? हाँ दीदी। चलिए अब आगे की वीडियो देखते हैं। ये हम रोप के बतला दे छी। अब हम जाई छी, ठीक है? हमारी आज का वीडियो का विषय है श्री विधि से गेहूं की रोपाई, जिसकी 4 अति आवश्यक बातें हैं। गेहूं के बीज का पहले से उपचार कर लेना चाहिए। बीज से बीज की दूरी 8 इंच की ही होनी चाहिए, साथ ही लाइन से लाइन की दूरी भी 8 इंच की ही होनी चाहिए। और हाँ, हर 8 इंच की दूरी पर 2 बीज रोपेंगे। हाँ, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि श्री विधि से गेहूं की रोपाई कितनी आसान और फायदेमंद है? हाँ दीदी, सब समझ में आ गया हम लोग के। और इस विधि में जो भी अति आवश्यक बातें हैं उनका ध्यान रखिएगा, नहीं तो फसल में मनचाही उपज नहीं मिलेगी। ठीक है दीदी। अरे हाँ, आप लोगों में से दोनों समूहों के सदस्य एक एक करके आगे आएंगे, आपके हस्ताक्षर लेने। अच्छा, प्रणाम। हाँ, तो आप समझ गए ना आप लोग कि फार्म कैसे भरना है? हाँ दीदी, बिल्कुल समझ गए। लेकिन अभी कुछ जगह तो जानकारी भरनी है फार्म में, ये देखिए। हाँ, ये जो जगह बाकी रह गई है इसे वीडियो देखने के बाद भरना होता है। जैसे यह सदस्य की जानकारी के नीचे वाला स्थान, वीडियो समझने में समस्याएं। यहाँ पर हम वो सवाल और परेशानियाँ भरेंगे जो समूह के सदस्यों ने पूछी हैं वीडियो देखते समय। जैसे दीदी,
एक सदस्य ने पूछा था कि 8-8 इंच की दूरी पर गेहूं लगाना क्यों जरूरी है, वही ना? हाँ बिल्कुल सही, वही सवाल और परेशानियां यहाँ पर लिख देनी है। हर एक उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी है, समझ गए ना आप लोग? हाँ दीदी, ठीक तरीके से समझ गए।